क्या गांव है रे। अरविंद भाई थैंक यू। देखो छोरा चीता बाइक बहुत कम मिलती है, देख लो भाई। ये भी ट्रैवलर है, तीन चार ट्रैवलर हैं, दो। राम राम जी सर। ने पिछली वीडियो में देखा होगी, हम मुंबई से बैंकॉक आए थे और बैंकॉक से आए थे हम जापान में, और फिर दो दिन का हमने होटल स्टे लिया था और होटल की आपको मैंने विजिट कराई थी, कैबिन का सारा कुछ व्यू दिखाया था, आउटसाइड का व्यू दिखाया था। उसके बाद हम मॉल गए थे, कुछ शॉपिंग की थी, और बड़ा मॉल तो हमें कोई आसपास दिखा नहीं था। और आपको पिछली वीडियो लिंक इस वीडियो में दे दूंगा। अभी हम जा रहे हैं बोट पे, आज हमारी ज्वाइनिंग है मर्जा नहीं बगैर। ये भाई है और ये चौधरी साहब है, और पीछे भी है हमारे बंदे, टोटल हम 11 बंदे हैं। वो ब्लैक वैन दिख रही हो, वो भी वहीं जा रही है। अभी सीधा जाएंगे पोर्ट पे, वहाँ इमिग्रेशन होगा, फोटो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद आपको आगे का व्यू दिखाएंगे। बने रहिए वीडियो में। वैसे भाई जापान की विजिट करके मज़ा आ गया, कैसा लगा? मस्त भाई यार, दोबारा आओ घूमने, मौका मिलेगा तो दोबारा आएंगे। हो गया दिल गार्डन गार्डन गार्डन। 80% तो लगा पूरा ग्रीन ही है मोस्टली, ज्यादातर सड़कों पे भी, नीचे से भी सब, सड़कों भी आपको पेड़ पौधे मिलेंगे ज्यादातर। बारिश भी जबरदस्त होती है भाई यहाँ तो। और मौसम कैसा है? मौसम भाई ठंडा, बहुत ठंडा है यार, दोनों तरफ से ठंडा है, नीचे से ऊपर से सब जगह से ठंडा ही ठंडा है, बहुत कोल्ड है। चलो बढ़िया, अब आपने करो भाई विजिट अगर आना तो, जबरदस्त कंट्री है। ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन। जापान ना मोस्ट 90% आइलैंड पे बसा हुआ है, तो यहाँ की सड़कें सभी पूरा पूरे आइलैंड काट के बनाई गई है। इंडिया में क्या, इंडिया मोस्टली नॉर्थ साइड में की पैरेलल है सड़कें, जो भी जितनी पैरेलल है, हरियाणा में मोस्टली पैरेलल ही है सड़कें सिंपल, लेकिन यहाँ पूरा पूरा आइलैंड पे ही पूरा पत्थर काट काट के रोड बनाए, रोड कितने ज़बरदस्त बनाए देख सकते हैं आप इस वीडियो में भाई। यहाँ पर पेड़ पौधे काटना बिल्कुल सख्त मना है, देखो भाई व्यू आ रही ना शिमला की फीलिंग बिल्कुल ज़बरदस्त। भाई यहाँ के गांव, गांव इतने ज़बरदस्त बनाए हैं कि मतलब ये नहीं बता सकते कि सिटी है या गांव, इतना मॉडिफाई और इतनी देखो सफाई कितनी ज़बरदस्त लग रही है यार। और एक गांव का साहब हर जगह छोटा छोटा एरिया मिलेगा, क्योंकि पूरा कंट्री तो आइलैंड पे बसा हुआ है, तो जहाँ भी ये समतल या पैरेलल ये मिट्टी मिलती है वहीं गाँव बसा हुआ मोस्टली मिलेगा आपको। क्या बोलता है? नहीं भाई वीडियो भाई कंटिन्यू चले हो भाई एक घंटे से, अभी रेस्टोरेंट आएगा, अभी बोला तो इसको रोकने के लिए, अभी रोकेगा गाड़ी है, खाएं पिएंगे। ये भाई हिरोशिमा आ गए वो जापान के, पेट्रोल पंप देख ला, हिरोशिमा ये है क्या? हाँ ये पार्किंग एरिया स्टार्टिंग हो जाती है ना इधर से, पूरा पार्किंग एरिया जबरदस्त व्यू, बोला आइटम बम गिरा था, ये है लेकिन जबरदस्त है यार। इधर ही गिरा ये बस, दूसरी भी अपने हैं, ये बैठे सरदार तो नजारा देखा सी समय को, आगे जाके बैठ जाएगी अपना खाने पीने का।
बोरा खाना पाने के लिए रुके हुए थोड़ा, डेढ़ घंटे से कंटिन्यू ड्राइव कर रहे थे। अरविंद एक्सक्यूज मी, वन चिकन कबाब। जापान में बाइक बहुत कम मिलती है, देख लो भाई। ये भी ट्रैवलर है, तीन चार ट्रैवलर हैं, दो इसमें हॉस्पिटल वाले। चलो भाई चल रहे, साहब का खाना पीना हो गया है, अभी जा रहे हैं हम पोर्ट की तरफ, क्योंकि अब एक घंटे से कंटिन्यू ड्राइविंग कर रहे थे भाई। हो गया चले, डाल दे उधर, एक ही रख दिया। अरे फिर कोई नहीं, और बच जाएगा, थोड़ा और बच जाएगा। चलो भाई भाई फोटो चली हुई हैं सारे की, फोटो ले रहे हैं। चलो भाई चलो, हमारे घर रेडी चले। अपना पोर्ट उतर के हैं, लिया लिया। अरे मेरे को ले जरा, ओके भाई थैंक यू। ले भाई अभी आ गया, ये बोर्ड जाएगी अपने शिप की तरफ, ज्वाइनिंग की तरफ। चलो भाई आ गए भाई, छोटी बोट पाइप चला अपने ज्वाइनिंग आज भाई वेसल पे, अभी चल रहे हैं। अभी जा रहे हैं भाई अपने जहाज की तरफ, जहाँ पे अपना काम धंधा है। ऐसा करके जाएगा ये सारे भाई, आ लगा ले मुझे छानो तंगिया कैप्टन, फिर बात करता हूँ मैं। क्या हो रहा है भाई? एयरपोर्ट है, जहाज अपना पास में है, यहाँ से 15 मिनट का रास्ता ही बता रहे हैं। अरे छोटी बोट की नहीं मिलेगी ना, आ गए हैं। अब इसी में जाना भाई, सही जवानी हमारी। ले भाई शिप पे आ गए हैं, चलो भाई शिप पे पहुंच गए। अभी आगे की वीडियो आपको इसके नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अंदर की वीडियो भाई कैसे काम करते हैं भाई, खाने पीना क्या, पार्टी वगैरह क्या सिस्टम होता है, बर्थडे पार्टी कैसे होती है,
चलो भाई, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दियो। बाय बाय, जय हिंद।